हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम की, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम के रिवर्सिबल इनहिबिटर कौन कौन से हैं। ये दो कैटेगरी में हैं, एक होंगे टर्शरी एमीन डेरिवेटिव्स एंड दूसरे होंगे क्वार्टरनरी एमीन डेरिवेटिव्स। टर्शरी एमीन हम लोगों ने ये क्लास 12th में ही पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो टर्शरी एमीन कहलाता है और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है वो क्वार्टरनरी एमीन कहलाता है। हम ये भी जानते हैं कि जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है और जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन स्पीसीज वहाँ पे न्यूट्रल स्पीसीज रहती है। तो जब न्यूट्रल होगी तो नॉन पोलर ड्रग्स कहलाएंगे वो, जिन ड्रग्स के अंदर नाइट्रोजन जो है अमीन्स का वो न्यूट्रल है वो नॉन पोलर ड्रग्स होंगे, नॉन पोलर होंगे और ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कहलाएंगे। और हम जानते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को ईजिली पास कर जाते हैं और अगर मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं ये तो CNS में इंटर कर सकते हैं बाय क्रॉसिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। और साथ ही साथ ये अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं तो ये कॉर्नियल पेनिट्रेशन यानी कि कॉर्निया भी पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो टर्शरी एमीन्स को हम लोग आई ड्रॉप के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनका मेन मेटाबॉलिज्म लिवर मेटाबॉलिज्म होता है और अगर इनको ओरली दिया जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को क्रॉस कर जाएंगे और इनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा खासा होगा, दे हैव गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे क्वार्टरनरी एमीन्स की। क्वार्टरनरी एमीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर प्रेजेंट होता है। अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यानी कि ये पोलर ड्रग्स कहलाएंगे, पोलर ड्रग्स है तो लिपिड्स इनसॉल्युबल हो गई है तो यानी कि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ इसकी CNS में एंट्री नहीं हो पाएगी और इसको हम लोग आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉर्नियल पेनिट्रेशन नहीं कर पाएगा। जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म मोस्टली केस में किडनी के अंदर होता है और अगर इनको ओरली इंजेस्ट किया जाए तो ये इनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से पुअर होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं टर्शरी एमीन डेरिवेटिव्स के बारे में। इस वीडियो में हम मेनली टर्शरी एमीन डेरिवेटिव्स के बारे में ही बात करेंगे, हम क्वार्टरनरी एमीन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमें 4 ड्रग पढ़ने हैं, डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन एंड लास्ट वन इज फाइजोस्टिग्मिन। हम पहले 3 को एक साथ पढ़ेंगे, लास्ट वाले को अलग से पढ़ेंगे। डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये लिपिड सॉल्युबल है यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है तो ये CNS में इंटर कर जाएगा और इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ये ब्लॉक करते हैं। जी, अगर ये इस एंजाइम को ब्लॉक कर रहे हैं तो यानी कि एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो जब एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो ये CNS में NN रिसेप्टर्स में जो प्रेजेंट होते हैं उनका एक्टिवेशन करवाएंगे। जब एसिटाइल कोलिन NN रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा तो लर्निंग और मेमोरी का इन्हेंसमेंट होगा। तो अगर ये लर्निंग और मेमोरी में हेल्प कर रहे हैं तो हम इन ड्रग्स को उन डिसीज़ के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं जिनमें लर्निंग और मेमोरी ही कम हो जाती है, यानी कि डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन कैन बी गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया जो है तो यानी कि ऐसे डिसीज जिसमें पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये डिमेंशिया जो है वो इस्कीमिया के वजह से हो सकता है, किसी ट्रॉमा के वजह से हो सकता है और अल्जाइमर डिसीज़ के अंदर हो सकता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करवाते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे जो कि एसिटाइल कोलिन के फंक्शंस हैं। एसिटाइल कोलिन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। एसिटाइल कोलिन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो ये M रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और डम्बल्स एज अ एक्शन कॉज करेंगे, लेकिन हमें ये एक्शन चाहिए नहीं था इनका,
हमें तो केवल ये एक्शन चाहिए था लर्निंग और मेमोरी वाला, तो ये एज अ साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? जीआईटी साइड इफेक्ट। एमसी मतलब मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज अ जीआईटी साइड इफेक्ट। जीआईटी साइड इफेक्ट में यानी कि डायरिया इज अ मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। इस साइड इफेक्ट से बचने के लिए रिवर स्टिंगमिन दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्किन पैच। स्किन पैचेस के फॉर्म में दिया जाता है। अगर स्किन पैचेस के फॉर्म में देंगे तो इससे कोई जीआईटी से कोई मतलब ही नहीं है। जब मतलब नहीं हुआ तो जीआईटी साइड इफेक्ट नहीं कॉज करेगा ये। अब लास्ट ड्रग हमारा आता है इस कैटेगरी का, फाइजोस्टिग्मिन। फाइजोस्टिग्मिन जो होता है वो इनहिबिट करता है एट्रोपिन के एक्शन को। एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है जिसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फाइजोस्टिग्मिन एट्रोपिन के एक्शन को इनहिबिट करता है, तो हम फाइजोस्टिग्मिन को बेलाडोना पॉइजनिंग या फिर डतुरा पॉइजनिंग के अंदर दे सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इस लेक्चर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर डिसीज में उसके नाम में ही छुपा है कि क्या होता है। याद करने का तरीका क्या? ए से एसिटाइल कोलिन और डिसीज के डी से डिफिशियंसी, मतलब अल्जाइमर डिसीज के अंदर एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी हो जाती है। एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी की होने की वजह से कॉग्निशन डिक्रीज हो जाता है और मेमोरी फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नर्व प्रेजेंट है हमारी सीएनएस में उसका डिजनरेशन हो जाता है, जिससे सीएटी एंजाइम दैट इज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का लेवल डाउन हो जाता है। और ये एंजाइम हमें पता है कि एसिटाइल कोलिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज होगा तो कॉग्निशन और मेमोरी जो है तो वो डिमिनिश हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्जाइमर डिसीज जो है इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसीज दैट डिस्ट्रॉयज मेमोरी एंड अदर मेंटल फंक्शंस। अल्जाइमर डिसीज में अगर एसिटाइल कोलिन का लेवल घट रहा है या एसिटाइल कोलिन की डिफिशियंसी हो रही है तो हमें ट्रीटमेंट के फॉर्म में उन चीज़ों को देना चाहिए जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को इन्हेंस कर रहे हों, इम्प्रूव कर रहे हों। तो सबसे पहले हम दे सकते हैं क्या, जो एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करें टर्सरी एमिन्स वाले, जिससे एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का लेवल मेंटेन रहेगा। तो हमने टर्सरी एमिन में जो तीन ड्रग्स पढ़े थे इम्पॉर्टेंट वाले, डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन, ये तीनों ड्रग हम इसमें दे सकते हैं। सबसे ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या रहेगा? सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस हमारा रहेगा डोनेपिजिल। इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट क्या है? इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट ओरल रूट है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? जैसे कि ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएगा तो इसके साइड इफेक्ट्स जो होंगे, सीएनएस के अंदर ये M1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा जिससे ट्रेमर्स होने के चांसेस होंगे, और पीएनएस के अंदर ये M रिसेप्टर से बाइंड करके डंबल्स एज अ साइड इफेक्ट कॉज करेगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जीआईटी साइड इफेक्ट होता है इसके अंदर, यानी कि डायरिया इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। रिवास्टिग्मिन को इसलिए दिया जाता है स्किन पैचेस के फॉर्म में ताकि जीआईटी साइड इफेक्ट ना हो पाए, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। और लास्ट ड्रग है हमारा गैलेंटामिन। गैलेंटामिन भी हम लोग देते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो ये तीन ड्रग्स की हमने बात करी, डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन, ये तीनों के तीनों ड्रग केवल और केवल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ना कि जो डिसीज का मेन कॉज है। दे डज नॉट स्टॉप प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। ये डिसीज के प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं करते हैं, ये केवल और केवल जो सिम्टम्स है उसको ठीक करते हैं। ये केवल और केवल एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन जो कम था अब वो कमी खत्म हो जाए, लेकिन ये जिस वजह से कम हो रहा था उस पर कोई एक्शन नहीं करते हैं। सेकंड ड्रग है हमारा मेमांटीन। मेमांटीन जो है वो डोनेपिजिल, रिवास्टिग्मिन, गैलेंटामिन इनके साथ दिया जाता है। ये क्या करता है? ये ब्लॉक करता है NMDA रिसेप्टर्स को।
अब हम पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि एनएमडी रिसेप्टर्स पे क्या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो एनएमडी रिसेप्टर्स हैं उनके पास ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर जाके जुड़ता है जो कि लर्निंग और मेमोरी का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें डिमेंशिया, जिसमें क्या होता है एस्कीमिया हो जाता है, जिस वजह से एस्कीमिया की वजह से एनएमडीए रिसेप्टर जो होते हैं ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब एनएमडीए रिसेप्टर ओवर एक्टिवेटेड हो जाते हैं तो उन रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन हो जाता है। तो जब डाउन रेगुलेशन हो जाता है तो जो लर्निंग और मेमोरी सेंटर्स होते हैं वो डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए मेमांटीन ड्रग दिया जाता है जो कि एनएमडीए रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जिस वजह से इसका ओवर एक्टिवेशन ना होगा। जब इसका ओवर एक्टिवेशन नहीं होगा तो जो लर्निंग और मेमोरी सेंटर डिजेनरेट होने लगे थे उस डिजेनरेशन को प्रिवेंट किया जा सकेगा। नेक्स्ट ड्रग हमारा आता है एडुकेनुमैब। एडुकेनुमैब याद कर सकते हैं कि अल्जाइमर डिसीज में दिया जाता है। कैसे? एड्यू से याद कर सकते हैं अल्जाइमर एंड डी से डिसीज, ए से याद कर सकते हैं अल्जाइमर, डी से याद कर सकते हैं डिसीज। दैट इज अल्जाइमर डिसीज के अंदर एडुकेनुमैब एज अ ट्रीटमेंट दिया जाता है। और जब मैब किसी भी ड्रग के लास्ट में जुड़ा हो उससे हम याद कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो जो एडुकेनुमैब होता है वह एक प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। कौन सी प्रोटीन है? एमाइलिन बीटा प्रोटीन। इसका सिंथेसिस जब रुक जाता है तो नर्व का जो डिजेनरेशन हो रहा था, जो नर्व डिजेनरेट हो रही थी, तो उस डिजेनरेशन को ये रोकता है। तो जो कॉज भी काम कर रहा है जो ड्रग, वो एडुकेनुमैब है। ये नर्व डिजेनरेशन को रोकता है, जिससे क्या होता है कि फर्दर जो डिजेनरेशन है वो नहीं होगा, तो फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज जो है तो रुक जाता है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी हम देते हैं क्योंकि एस्कीमिया के केस में कुछ फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस फ्री रेडिकल्स को हम लोग ख़त्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जैसे कार्निटिन हो गया, विटामिन ई हो गया, किंगो बाइलोबा हो गया एज अ हर्बल मेडिसिन, और कुछ मेडिसिन हैं जो कि अंडर टेस्टिंग पीरियड हैं। वो उनमें से कौन कौन सी हैं? फैसिओडिल, स्टैटिन और पेरासिटम। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वार्टरनरी एमीन्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्वार्टरनरी एमीन्स जो है वो कैसे रिवर्सिबली इनहिबिट कर रहे हैं एसिटाइल कोलिन स्टेरेज एंजाइम को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।